सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपके भी फ़ोन में स्लो टच रिस्पांस आ रहा है, अगर आपके रियलमी नार्जो 20 में किसी भी ऐप ओपनिंग इशू आ रही है, जैसे मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया है तो यहाँ पे डिले ले रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके रियलमी नार्जो 20 में आ रही है तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप इस स्लो टच रिस्पांस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दो नॉर्मल ट्रिक्स बताए हैं और दो प्रो ट्रिक्स बताए हैं। अगर चारों ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में जो स्लो टच रिस्पांस वाली प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला नॉर्मल ट्रिक ये है कि आप गाइस जब फ़ोन को नया लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्क्रीन गार्ड मिला रहता है, मतलब लगा रहता है फ़ोन पे, तो आप उस पर डबल लगवा लेते हैं। अगर आपने ऐसी गलती की है तो आप जो पहला वाला स्क्रीन गार्ड है उसे रिमूव करके फ़ोन में केवल एक रिमूव मतलब स्क्रीन गार्ड रहना चाहिए आपके फ़ोन में। उससे जो होती है टच सेंसिटिविटी जो होती है एकदम मतलब सही रहती है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम किए हैं तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड गाइस, दूसरा नॉर्मल ट्रिक ये है, अगर आपके फ़ोन में अगर मॉइस्चर है, ऑयली टाइप लगा है, अगर आपके फ़ोन जो फिंगर है, फिंगर जिस फिंगर से आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, अगर आपके फिंगर में भी ऑयली है या मॉइस्चर है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन जो है बहुत स्लो काम कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर फ़ोन को यूज़ करने से पहले आप फ़ोन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो मतलब फ़ोन को यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। अब गाइस, मैं आपको प्रो ट्रिक्स बताऊँगा। नॉर्मल ट्रिक्स जो थे वो डेली लाइफ में मतलब कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं मतलब बहुत इशू आने लगता है। तो आप चलिए मैं आपको प्रो ट्रिक्स बताता हूँ। तो गाइस, पहला प्रो ट्रिक्स ये है, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको पॉइंटर स्पीड सर्च कर लेना है। पॉइंटर आप सर्च कर लेंगे तो पॉइंटर स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे इंडिकेट कर रहा है, पॉइंटर स्पीड पर जाने के बाद ये आपका हाफ रहता है, इसको आपको फुल कर लेना है। पॉइंटर स्पीड को आपको फुल कर लेना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक ये है गाइस, ये जो प्रॉब्लम आ रही है रियलमी यूआई में प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपका किसी भी ऐप को ओपन करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले ले लेता है। तो इसके लिए अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नोवा लॉन्चर। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ये जो प्रॉब्लम है अपडेट के थ्रू सही हो जाएगा। तो जब आपका अपडेट आएगा तो आप नोवा लॉन्चर को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका यूज कैसे करना है। तो नोवा लॉन्चर को सिंपली ओपन करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर आपका ये कटेगा, फिर से आपको एक बार ओपन करना है। ये अगर आप इसको बढ़िया से मतलब अगर यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब ये बार बार कट कर रियलमी यूआई में चला जाएगा। तो इसको जाना है, इसके होम स्क्रीन पे आपको होल्ड करना है, फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाता है सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, तो यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको नोवा लॉन्चर पर क्लिक कर देना है। तो आप बार बार इसको काटेंगे तो आपका रियलमी यूआई में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर गूगल है, यहाँ पर आपको कोई भी स्लो टच प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ पे तुरंत फटाफट से ऐप ओपन हो जा रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो रियल मी यूआई में है, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ लॉन्चर है, अच्छा लॉन्चर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, यही वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो का लाइक एम हम 200 लाइक एम रख रहे हैं, जल्दी इसको पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।